बात करें तो कल तक की रिपोर्ट में 448 नए पॉजिटिव मामले आए थे, कुल मिलाकर 2288 यह आंकड़ा पहुंच चुका है। मौतों की बात करें तो 191 मौत अभी तक आगरा में कोरोना की वजह से हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से यूपी सरकार द्वारा रविवार का लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद अगर हम आज की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि एक ऑटो में यहाँ सिकंदर चौराहे पर हम एक ऑटो है, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से है, बिना मास्क के यहाँ लोग देखे जा सकते हैं। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर लगातार आम जनता की दिख रही है, क्योंकि अभी तक लोग समझने को तैयार नहीं हैं कि कोरोना जैसी एक बड़ी बीमारी जो लगातार पूरे हिंदुस्तान के लिए एक घातक बीमारी हो चुकी है। देख सकते हैं कि हाईवे पर कल के लॉकडाउन के बाद किस तरह का ये नज़ारा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए लोग मजबूर हैं, तमाम बिना मास्क के लोग देखे जा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो आगरा में देखने के लिए मिल रही है कि एक ओर अस्पताल में बेड खाली नहीं है, लोग तड़प रहे हैं कि किसी भी तरह से कोरोना के पेशेंट को एडमिट कर लिया जाए, लेकिन वहीं अस्पताल की अगर हालत की बात करें तो एक ओर बेड खाली नहीं है, जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है, जिसके चलते लगातार खतरा बना हुआ है। बात करें आगरा की तो जिस तरह से शमशान में देखा जा रहा है कि तमाम जो चिताएं जल रही हैं, वेटिंग में शवदाह गृह पर, विद्युत शवदाह गृह पर वेटिंग में शवों को रखा जा रहा है। तो लगातार जिस तरह से प्रशासन की अपील है कि किसी भी तरह से कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया जाए, जिसके चलते शहर को बचाया जाए, क्योंकि अब हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। लोगों को खुद ही समझना होगा, घरों से बिना वजह ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, जिसके चलते कहीं ना कहीं कोरोना की चेन पर ब्रेक लग सके। अजेंद्र चौहान, KNews आगरा।